अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि हुड की सर्विस कैसे की जाती है। इसे आप हुड भी कहते हैं, टर्बो भी कहते हैं, रेंज हुड भी कहते हैं, जो भी आप इसे कहें, आपकी लैंग्वेज में जो भी आप बोलें, इसको रेंज हुड भी कहा जाता है, इसको टर्बो भी बोला जाता है, चिमनी भी बोला जाता है, और आप इसको जो भी बोलें। आज हम इसकी करने वाले हैं कंप्लीट सर्विस। तो दोस्त जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, आपको बताएंगे कि इसकी कंप्लीट सर्विस कैसे की जाती है। तो ये ब्लोर है, चिकनाहट से भरा हुआ है, पूरा ब्लोर चिकनाहट से भरा हुआ है। तो टोटल इसके एक एक पार्ट्स खोल के अलग करेंगे और फिर इसकी सर्विस करेंगे। तो आपको इसकी सर्विस का तरीका हम बता देते हैं। ये देखें कि इतने चिकनाहट कस्टमर ने तकरीबन 3-4 सालों से इसकी सर्विस नहीं कराई हुई थी। तो 3-4 साल के बाद इसका ये असर हुआ है कि एक तो अपना मोटर जाम हुई है, दूसरा नंबर चिकनाहट हर जगह पे इतनी जमी हुई है कि कोई बंदा इसको हाथ नहीं लगा सकता है। तो बहरहाल इसी को ही हम आपको क्लीन करने का तरीका बताएंगे, और लास्ट में आप इसको देखेंगे तो इतनी क्लीन होगी कि आप बोलेंगे कि वाह यार, क्या वाकई इसको चमकाया हुआ है। तो आप जुड़े रहें इसी वीडियो के साथ, आपको दिखाते हैं। पहले आपको पूरी इसकी चिकनाहट दिखाएंगे कि कितनी इसमें चिकनाहट से ये भरी हुई हो, और उसके बाद क्लीन करके आपको बताएंगे, और किस चीज़ से क्लीन होती है वो भी आपको बताएंगे, और कैसे क्लीन होती है वो भी आपको बताएंगे। तो देखते रहें आप ये वीडियो। पहले आपको पूरी बॉडी दिखाते हैं कैसे भरी हुई है चिकनाहट से, और उसके बाद फिर आपको क्लीन करने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से इसको क्लीन किया जाता है। तो हमने इसको खोल दिया है, ब्लोर अलग कर दिया, डक अलग कर दिया, और इसकी मोटर अलग करेंगे, उसके बाद जो उसकी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनको अलग करेंगे, बाकी जो उसके पार्ट्स हैं टोटल को हम केमिकल में डाल के इसको डुबो देंगे, ताकि ये केमिकल तक में तकरीबन 4-5-6 घंटे इसमें केमिकल में हम डालेंगे, ताकि इसकी जितने भी चिकनाहट हो वो घुल के बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो घोलने का तरीका भी आपको बताएँगे, और कौन सा केमिकल है वो भी आपको बताएँगे कि किस चीज़ में हम इसको साफ़ करेंगे। तो आप देखते रहें ये वीडियो। ये देखें, ये हशर हुआ भाई 4-5 साल से ये सर्विस नहीं हुई। देखें तो इसको सर्विस ना कराने से ये मसला पैदा होता है कि इसकी जो मोटर होती है और उसमें जो ब्लोर लगा होता है वो जाम हो जाता है, फिर उसको मोटर सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो उस वजह से मोटर जल जाती है, और मोटर जल गई तो फिर चिमनी किस काम की नहीं है। ये देखें दोस्तों, हमने इसके टोटल पार्ट्स खोल के हमने ड्रम में डुबोए हुए, और केमिकल है कास्टिक सोडा में हमने पानी डाला हुआ है ड्रम में, और उसमें हमने तकरीबन 1/2 किलो कास्टिक सोडा डाला हुआ है, और कास्टिक सोडा में जैसे चिपनी जाने के बाद कास्टिक सोडा ने पूरी चिकनाहट खींच ली, और पानी अपना बिल्कुल ना एक ख़राब किस्म का पानी इसने कर दिया, पूरी चिकनाहट इसने खींच ली है, और ताज़े पानी को बिल्कुल इसने ऐसा गंदा पानी कर दिया है, और कास्टिक सोडा चिकनाहट को फौरन ही साफ़ कर देता है। तो इसमें तकरीबन 4-5 घंटे हमने डालने के बाद इसका ये रिज़ल्ट आया है। 4-5 घंटे के बाद हल्का फुल्का इसको प्रेशर लगाएं पानी का, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ये देखें, ये आपके सामने टोटल इसकी बॉडी क्लीन हो चुकी है अंदर बाहर से, और इसके पार्ट्स भी आपको चेक कराएंगे कि कैसे क्लीन हुई है। ये अंदर से बॉडी देखें, आपने स्टार्टिंग में देखी थी, और अभी आप देखें इसको पूरी क्लीन हो चुकी है, और इसके पार्ट्स भी आपको चेक कराएँगे। तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, आपको हर चीज़ चेक कराते हैं। ये इसके अपना साइड बॉडी है, साइड बॉडी से भी क्लीन हो चुकी है, बैक साइड से भी, और ये हम आपको चेक कराएं लाइटों वाली साइड भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट्स है, और ये गोल्ड रिंग है, इसके मोटर पे लगाई जाएगी, और ये स्क्रू उसमें लगाए जाएंगे, स्क्रू रॉड बोलते हैं इसका, और ये कॉलर होती है जहाँ पर पाइप लगाया जाता है, कॉलर कहते हैं। दोस्त आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसे कॉलर बोलते हैं। ये जाली आपने चेक की थी पहले किस तरीके की थी, बिल्कुल चिकनाहट से भरी हुई थी, अब आप चेक करें बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। दोनों जालियां हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन होके ओके हो चुकी हैं जालियाँ। ये कास्टिक सोडा बेहतरीन चिकनाहट को उतारने के लिए बेहतरीन है, और आप कास्टिक सोडा को यूज़ करके किसी भी ख़राब से ख़राब चिकनाहट भी आप उतार सकते हैं। ये तो यूज़ ये देखें, ब्लोर पहले किसी चिकनाहट से भरा हुआ था, और अब आप चेक करें बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखें ब्लोर चारों तरफ से क्लीन हो चुका है, और ये इसका डक है,
उसके डक के अंदर जितनी चिकनाहट भरी हुई थी आपने स्टार्टिंग में चेक की थी, और अब आप चेक करें बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है डक इससे। तो इसी में हम मोटर फिट करेंगे और ब्लोअर फिट करेंगे, वो भी आपको चेक कराते हैं। ये डक होता है, इसमें मोटर और ब्लोअर फिट की जाती है। ये तो व्यू था, आप ये देखें पूरी बॉडी क्लीन हो चुकी है। और हम आपको चेक कराते हैं मोटर, ये मोटर इसमें डक में फिट करेंगे, ये नीचे की साइड से फिट होती है, तो इसको फिट करके हम आपको चेक कराते हैं। ये बैक साइड से फिट हो चुकी है, अब इसमें ब्लोअर लगाने की बारी है, तो इसमें लगाते हैं अभी ब्लोअर। तो ये ब्लोअर है, इसमें फिट किया जाएगा, तो ब्लोअर को फिट करते हैं हम। और ब्लोअर पर नट लगाया जाता है, तो नट को कस के आपको चेक कराते हैं। बिल्कुल फ्री हो गई मोटर की सर्विस हुई है, तो बिल्कुल ये फ्री हो चुकी है, अब ये आसानी से घूम पा रही है और कोई लोड नहीं पड़ रहा है मोटर पे, बिल्कुल फ्री हो चुकी है। ये इसकी रिंग है, यहाँ रिंग लगाई जाएगी। और ये तो यहाँ पे नट लगाया जाएगा, यहाँ नट लगा के आपको चेक करा रहे हैं। ये नट है इसका, इसको हम कस देंगे ताकि ये ब्लोअर आगे पीछे ना हो। तो ये रिंग लग चुकी है और नट लग चुका है, अब आप चेक करें बिल्कुल फ्री हो चुकी है ये मोटर। और अब हम आपको फिट करा के चेक कराते हैं, और व्यूज आपको चेक कराएंगे, ऑन करा के भी आपको चेक कराएंगे, जुड़े रहे थे वीडियो के साथ, उसको ऑन भी करके आपको चेक कराएंगे। सर्विस होने के बाद ये कंप्लीट सर्विस हो चुकी है, लाइटें वाइटें टोटल सर्किट वगैरह पार्ट्स पैनल वगैरह गिलास आपको लगा के हर चीज़ आपको चेक कराएंगे। ये तो व्यूज ओके हो चुका है, ये ये इसमें हम डक फिट कर रहे हैं बॉडी में, और मोटर फिट हो चुकी है, अब डक फिट कर रहे हैं इसमें हम। और ये वायरिंग है, वायरिंग दोस्तों यहाँ से कभी भी नहीं निकालेंगे, ये होल किया होता है यहाँ से, ये वायरिंग का होल होता है, यहाँ से वायरिंग निकाली जाती है। ये वायर निकाल चुके हैं हम, तो बाकी इससे पार्ट्स जो है वो फिट करके आपको चेक कराते हैं, सर्किट वगैरह। इसकी बॉडी आएगी, यहाँ पे सर्किट बॉडी होगी, और ये स्क्रू, इस पर चार स्क्रू लगाए जाते हैं, और चार स्क्रू इसके ऊपर कॉलर लगाई जाएगी, वो लगाए जाएंगे। मोटर बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ब्लोअर बिल्कुल फ्री घूम रही है। ये तो व्यूज, ये बैक साइड से बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, चेक करें। इसके बैक साइड पर दो स्क्रू लगाए जाते हैं, चार स्क्रू ऊपर लगाए जाते हैं, उसके बाद ये इसका ये डक जो होता है बिल्कुल मजबूत तरीके से फिट हो जाता है। और ये लग गई है सर्किट बॉडी लग गई है, और ये वायर है मोटर की, वायर हमने निकाल ली है। तो ये पैनल हमने फिट कर लिया, इसमें नेस गैस की ये चिमनी है, और हम इसके पैनल फिट कर दिया है बिल्कुल। अब इसमें बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत है वो फिट करेंगे, उसके बाद आपको चेक कराते हैं। ये तो व्यूज, लाइटें फिट कर लिया है हमने, लाइटें डक मोटर ब्लोअर फिट कर दिया है हमने, सर्किट बॉडी फिट कर दिया, सर्किट वगैरह वायरिंग टोटल कंप्लीट करके आपको चेक कराएंगे। और दोस्तों आपको ऑन करा के भी चेक कराएंगे, जुड़े रहे थे वीडियो में, आपको ऑन करके भी चेक कराएंगे। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे असल में ये है कि हमारी साइड यहाँ शोर थोड़ा बहुत होता है, वीडियो में थोड़ा शोर हो रहा होगा। तो ये लाइटों के हमने कनेक्शन कर दिए हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्शन जो है ऊपर हमने सर्किट तक पहुँचा दिए हैं,
ये हमने सर्किट तक पूरे कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें सर्किट, ये मैनुअल चिमनी, इसमें सर्किट तो नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट वायरिंग की जाती है, इसमें कोई सर्किट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जो अपना टच बॉडी होती, जो टच चिमनी होती है उसमें आप सर्किट लगा सकते हैं, और जो मैनुअल होती है उसमें सर्किट नहीं लगाया जाता। और ये चिमनी है मैनुअल, मैनुअल से मुराद ये है कि बटन वाली चिमनी में कोई सर्किट नहीं होता, और जो टच जो होती है उसमें सर्किट लगाया जाता है। तो ये है बटन वाली, इसे मैनुअल हम कहेंगे, और इसमें कोई सर्किट नहीं है, इसमें डायरेक्ट वायरिंग फिट की जाती है। और इसके अलावा जो इसमें सिर्फ जो लाइटों का ड्राइवर दिया होता है ताकि उसको 12 वोल्ट मिल सकें, उसके लिए सिर्फ एक ड्राइवर होता है, बाकी वायरिंग होती है और एक कैपेसिटर होता है। और पैनल का तो आपको पता है, दो लाइटें होती है और पैनल लगाया जाता है। ये इसका ड्राइवर है वाइट कलर का, आप चेक करें। तो व्यूज ये कंप्लीट हमने फिट कर लिया, ग्लास का फिट कर लिया, टोटल ये ओके हो चुकी है। और अभी आपको चेक कराना है इसको, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है ग्लास, आपने स्टार्टिंग में भी देखा था, और आप अभी भी चेक करें इस चिमनी को किस तरीके से ये क्लीन हुई है। ये हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। अब इसको हम आपको चेक करा के भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से चलती है। ये बैक साइड से इसकी बॉडी जाली वगैरह हम लगा चुके हैं इसमें, अब आप देखें बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और नए के मुकाबले में आ गई है। ये रेंज होल्ड आपने चेक की थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल ये कि इतनी चिकनाहट जमी हुई थी, आपको मैंने चेक कराया था, 4-5 सालों से कस्टमर ने सर्विस नहीं कराई थी, तो इस वजह से इतनी ये ख़राब हो चुकी थी कि कोई याद लगाना है इसको लायक नहीं समझता था। लेकिन अब आप चेक करें इस चिमनी को कि ये बिल्कुल लायक हो गई है हाथ लगाने की। और ये ऑन करा के आपको चेक करा रहे हैं, दोनों लाइटें ऑन हो गई हैं, और इसको ब्लोअर भी आपको चेक कराएंगे ऑन करा के। तो इसका सक्शन पावर भी अच्छा है, थ्रो भी अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क कर रही है, बिल्कुल नई हो चुकी है। वही चिमनी मैंने आपको नेक्स्ट गैस का नाम बताया था, ये वही है नेक्स्ट गैस, ताकि आप ये ना बोले कि ये दूसरी चिमनी हमें चेक कराना है, कोई दूसरी चिमनी नहीं है, मैंने आपको कंपनी पहले बताई थी, अभी कंपनी बता रहा हूँ। और ये थ्रो देखें, ये मोटर ब्लोअर कैसे अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों आपको नज़र नहीं आ रही है, तो कोई अपना शॉपर वगैरह में सामने लगा के आपको चेक कराऊंगा, ताकि आपको नज़र आए ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। ये शॉपर आपको सामने करके चेक करा रहा हूँ, ये देखें इसका थ्रो बिल्कुल सामने नहीं, इसको शॉपर को खड़ी कर पा रहे हैं, ये हवा से बिल्कुल इसको फेंक रहा है, इतनी तेज़ इसका थ्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।